আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ব্রিটিউবের আজকের আয়োজনে সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম উনিশশো সালে পাকিস্তানের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন হয় লাল সবুজের বাংলাদেশ শূন্য থেকে শুরু করে নানা চড়াই উত্তরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ আজ পৌঁছে গেছে এক অনন্য উচ্চতায় ভারতীয় মিডিয়া বাংলাদেশের আজকের এই অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং মাথা বিছয়ে বাংলাদেশ যে ভারতকে পেছনে ফেলেছে তা নিয়ে আলোচনা করছে সেই সাথে যে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান আলাদা হয়েছে সেই পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পার্থক্য তুলে ধরেছে ভারতীয় মিডিয়া এছাড়াও নানা প্রতিকূলতা থাকার পরেও বাংলাদেশ কীভাবে ভারতের মতো দেশকে টক্কর দিচ্ছে সে বিষয়ে জানা যাবে বিডিটিউবের আজকের ভিডিওতে আমাদের সেই সকল ভারতীয় দর্শক এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যারা ভাবেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি হচ্ছে না এবং বাংলাদেশ এখনও এক দশক আগের মতোই পিছিয়ে পড়া দেশ তাদের জন্যই আজকের এই ভিডিও অনুরোধ করছি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য এবং ভিডিওতে একটি লাইক দেওয়ার জন্য কেননা আপনাদের ছোট্ট একটি লাইক আমাদের পরবর্তী কাজের জন্য অনুপ্রেরণা যোগায় সেই সাথে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় ভিডিওটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দোসভা পঁচাশ সাল পেলে মার্চ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান মে इंडिया की मदद से बांग्लादेश के फाउंडर्स ने खुद से रिच और ज़्यादा पावरफुल कंट्री पाकिस्तान से अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी इस देश का जन्म फैमीन और वॉर के साथ हुआ था जिसके दौरान लाखों लोग या तो पाकिस्तान सेना के हाथों मारे गए थे या इंडिया माइग्रेट कर गए थे उस समय पाकिस्तान का साथ अमेरिका दे रहा था जिसका ये मानना था कि बांग्लादेश एक सक्सेसफुल नेशन कभी नहीं बन पाएगा हेनरी केसिंगर जो तब के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने बांग्लादेश को बास्केट केस कहा था कुछ समय पहले बांग्लादेश के कैबिनेट सेक्रेटरी ने रिपोर्टर्स को बताया कि उनकी जीडीपी पर कैप्टिया पिछले कुछ सालों में ग्रो करते हुए 2,227 डॉलर तक आ पहुंची है 1971 के दौरान पाकिस्तान बांग्लादेश से 70 परसेंट रिच था आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45 परसेंट ज्यादा रिचर है इस चेंज पर टिप्पणी करते हुए एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने कहा कि यदि रियलिटीज को देखा जाए तो इस बात की संभावना है कि हम बांग्लादेश से 2030 में फाइनेंशियल एड लेते हुए नजर आएंगे ये इंडिया के कंपैरिजन में भी देखा जाए तो आज इंडिया की पर कैपिटल जीडीपी 2,191 डॉलर है बांग्लादेश से कम कोविड के दौरान भी बांग्लादेश के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की तारीफ दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस ने की अप्रैल 2021 में वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि कोविड अनसर्टेनिटीज के बावजूद कोविड का इकोनॉमिक आउटलुक पॉजिटिव है रिपोर्ट में यह भी मैंशन था कि पैंडमिक के दौरान बांग्लादेश ने बेस्ट वे में परफॉर्म करते हुए ऐसे स्टिमलेस पैकेजेस लॉन्च किए जिससे कोविड के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बाद भी लोग एम्प्लॉयड बने रहें दोस्तों तो हमारे आज के डिस्कशन का एम बांग्लादेश के इसी इकोनॉमिक बूस्ट को समझना है आज जानेंगे कैसे बांग्लादेश ने कई डिफिकल्टीज के बावजूद खुद को आज इकोनॉमी के टर्म्स में इंडिया जैसी सुपर पावर का कॉम्पिटिटर बना दिया है दोस्तों बांग्लादेश के ग्लोबल इमेज में पिछले कुछ सालों में एक ड्रास्टिक चेंज देखा जा सकता है एक समय पे जिस देश को पॉवर्टी और हंगर का पिटोम माना जाता था आज अपने जीडीपी ग्रोथ के स्टडी सक्सेस के कारण उसे एक हार्ड वर्किंग एंटरप्राइज का सिंबल माना जा रहा है बांग्लादेश में आए इन चेंजेस के पीछे का प्राइम रीजन है वहां का प्रूडेंट इकोनॉमिक गवर्नेंस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अपना बेस बनाते हुए बांग्लादेश की इकोनमी पिछले 50 सालों में 271 टाइम्स इंक्रीज हुई है बांग्लादेश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस उसके एफिशिएंट फिस्कल मैनेजमेंट को भी दर्शाता है इस देश ने अपने बजट डेफिसिट को जीडीपी के 5 परसेंट से भी कम कर लिया पब्लिक एक्सपेंडिंग को लिमिट करते हुए बांग्लादेश ने प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंशियल सिस्टम से बोरोविंग और पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का मौका दिया है फिजिकल प्रूडेंस और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ने बांग्लादेश की पॉवर्टी को भी रिड्यूस करने में अहम भूमिका निभाई है बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जैसे कि ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपेंशन इन सर्विसेज सेक्टर एक्सपोर्ट अर्निंग फ्रॉम आर यानी रेडीमेड गारमेंट सेक्टर और रेमिटेंस सेंड बाई माइग्रेंट वर्कर्स इसके अलावा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ने भी बांग्लादेश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद की है 1971 में बांग्लादेश की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50 परसेंट हुआ करता था वहीं इंडस्ट्री सेक्टर का 13 परसेंट और सर्विसेज सेक्टर 37 सेवन परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करते थे 2020 में यह स्ट्रक्चर चेंज होकर एग्रीकल्चर 13.3 परसेंट इंडस्ट्री 51.3 परसेंट और सर्विस सेक्टर 37 सेवन परसेंट जी में कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर का मेजर ग्रोथ ड्राइवर बांग्लादेश का आर सेक्टर है यानी कि रेडीमेड गारमेंट सेक्टर दोस्तों बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज 4.5 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है इसके साथ फार्मास्यूटिकल्स लेदर गुड्स शिप बिल्डिंग और ब्रेकिंग फूड प्रोसेसिंग सेरेमिक्स फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा ने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया है दोस्तों बांग्लादेश के इकोनॉमिक ग्रोथ पॉवर्टी रिडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कॉटेज माइनर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने भी अहम भूमिका निभाई है इसके अलावा बांग्लादेश में शिप बिल्डिंग सेक्टर ने मेजर बूस्ट देखा है शिप कंस्ट्रक्शन के डोमेन में बांग्लादेश का चिटेगांग रीजन आज एशिया के टॉप लोकेशंस में से एक है बांग्लादेश की इकॉनमी का 12 परसेंट शेयर सिर्फ इसी रीजन में जनरेट होता है चिटेगांग में मौजूद कंपनीज जैसे वेस्टर्न शिपयार्ड ने डेनमार्क নেদারল্যান্ডস নিউজিল্যান্ড জার্মানি কেনিয়া ও ইন্ডিয়া শিপস এক্সপোর্ট কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আমরা দেখছিলাম উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশের থেকে পাকিস্তান সত্তর পার্সেন্ট ধনী ছিল মাত্র পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশ আজ সেই পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে পঁয়তাল্লিশ পারসেন্ট বেশি ধনী হয়েছে এমনকি মাথাপিছু আয়ও পেছনে ফেলেছে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ অর্থনীতির দেশ ভারতকে বাংলাদেশের সামনে রয়েছে অপার সম্ভাবনা শুধু ভারতীয় মিডিয়া নয় পাকিস্তানের সাংবাদিক জায়গাম খানও বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি বলেন পাকিস্তানের থেকে সব খাতে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ বাংলাদেশই হওয়া উচিত পাকিস্তানের উন্নয়নের রোল মডেল পাকিস্তানের সামনে শেখার জন্য উদাহরণ হিসাবে যে কয়েকটি দেশ আছে তার মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ এছাড়াও বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের উন্নতি নিয়ে প্রশংসা করেছেন পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী পেশাজীবী এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষকগণ তারা বাংলাদেশকে অনুকরণীয় হিসাবে ধরে পাকিস্তানের উন্নয়ন পরিকল্পনা সাজাতে ইমরান খানকে পরামর্শও দিয়েছেন আর যা নিয়ে আমরা অনেকগুলো ভিডিও ইতিমধ্যে আপলোড করেছি যদি ভিডিওগুলো দেখে না থাকেন তাহলে অনুরোধ করব আপনাদের ভালোবাসার চ্যানেল ইউটিউব থেকে সেই ভিডিওগুলো দেখে নেবার জন্য বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবী পেশাজীবী ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষকগণ আলোচনা করছে অথচ দুঃখের বিষয় আমাদের দেশেরই কিছু মানুষ বলেন বাংলাদেশ নাকি পিছিয়ে পড়ছে সমস্যা যে নেই তা বলছি না তবে দেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে এটাও তো সত্য সকল প্রতিবন্ধকতা ও ষড়যন্ত্র দূর করে এগিয়ে যাক আমাদের প্রাণের প্রিয় সোনার বাংলা এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের ভিডিও যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত ভিডিও শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর ভিডিওটিউবের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ